बहुत से लोग कहते हैं कि पिछले जन्म में इंसान ये था, आज ये जन्म मिला है, पिछले जन्म में इसने अच्छे काम किए होंगे, इसलिए आज इसको जन्म मानव का जन्म मिला है, मानव का चोला मिला, मनुष्य का जन्म मिला है। कोई कहता है कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, चूहा, पशु पक्षी, जीव जंतु, मतलब बहुत सारे, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद मानव का जन्म मिलता है। कोई कहता है 84 लाख जोनियाँ, ऐसी कुछ बहुत सी चीज़ें बोलते हैं लोग कि भाई मानव का जो जन्म होता है ना वो 84 लाख जोनियों के बाद मिलता है, या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप लोगों को पता होगा। लेकिन पवित्र शास्त्र इस बारे में क्या बताता है कि ये बात सत्य है या नहीं है? पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन कहता है कि धरती और आकाश टल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। प्रभु के वचन में लिखा है मनुष्य तो झूठ बोलता है, मनुष्य तो झूठ बोल सकता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। ध्यान रखना, क्योंकि वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। अब इस विषय में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम ध्यान से देखें पवित्र शास्त्र इस विषय में क्या कहता है, कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अगला जन्म इसका मिलेगा, अगला जन्म उसका मिलेगा, अगर जैसे कोई मर जाता है तो उसका, जैसे उसकी राख पर जिस भी पशु के, जीव जंतु के निशान होते हैं, अगर मान लो चिड़िया के पैरों के निशान है, तो उसका मतलब वो चिड़िया का जन्म मिल गया उसको। अगर उसके उसमें कुत्ते के निशान है पैरों के, राख के अंदर, तो उसको कुत्ते का जन्म मिल गया। पशु का, पशी पक्षी का, जीव जंतु का, कुछ भी उसकी राख के अंदर कोई भी शक्ल बन रही है ना, तो उसको उसका जन्म मिल गया। अब सोच कर देखो, कई बार लोग कहते हैं यार यहाँ तो किसी की शक्ल बनी ही नहीं, तो वो कहाँ गया? अब सोचने वाली बात है, अब वो राख के अंदर जब चेक करते हैं, अगर किसी की शक्ल दिखाई नहीं दी है तो कुछ कहते नहीं है, तो इसका मतलब वो गायब हो गया क्या? उस समय हमारा वो दिमाग क्यों नहीं चलता है कि हाँ भाई अब अगला जन्म तो इसका मिलना था, अगला जन्म तो उसका मिलना था, उस समय हम चुप हो जाते हैं बिल्कुल। बहुत सी चीजों से 36 बातें होती हैं। पवित्र शास्त्र इस बारे में क्या बताता है, जब उस वचन, दो वचनों को देखेंगे मेन, प्रभु का रूह इस विषय में क्या कहता है, क्या हमें कंफर्म करता है, क्या हमें क्लियर करता है, क्या सत्य है क्या नहीं है, ध्यान से समझना। आज अगर देखो, बहुत से लोग कहने का मतलब, बहुत से लोग तो इस तरीके से कहते, देख तूने पाप कर दिया, तूने झूठ बोल दिया ना, देख तेरे को अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा, सूअर का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा, बकरे का मिलेगा, भेड़ का मिलेगा, कीड़े का मिलेगा, चींटी का मिलेगा, मकोड़ों का मिलेगा, तूने ये पाप कर दिया। इस धरती पर आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कोई पाप ना किया हो, जिसने कोई पाप ना किया हो, नहीं किया हो। इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धर्मी हो। धर्मी का मतलब पवित्र, पवित्र जीवन जीने वाला और परमेश्वर के प्रति एक अच्छा संबंध रखने वाला, जिसने कभी को निष्पाप। धर्मी का मतलब अगर हम आसान शब्दों में देखें, आसान शब्दों में निष्पाप, निष्पाप और धर्मी के कई सारे मतलब हम समझ सकते हैं। धर्मी वो व्यक्ति है जो पवित्र और भले कामों को, पवित्र और भले काम जिसमें सबकी भलाई है, जो परमेश्वर की ओर से पवित्र काम है, जो पवित्र आज्ञा पालन है, वो खुद करते पाया जा रहा है, और जो कर रहा है पवित्र पवित्र काम, उनको मुंह से बोलते पाया जा रहा है ना। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम झूठ मत बोलो, लेकिन मैं अगर खुद झूठ बोल रहा हूँ तो उसको मैं धर्मी नहीं, अधर्मी हूँ। अब धर्मी कौन है? उदाहरण के तौर पर एक ये वाली बात भी है कि भाई जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की इस आज्ञा को सीख लिया कि झूठ मत बोलना, अगर इस आज्ञा को मैं खुद पालन भी कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और दूसरों को भी सिखा रहा हूँ कि भाई तुम भी झूठ मत बोलो, तो इसका मतलब मैं धर्मी हूँ। धर्मी का मतलब वही जो पवित्रता, सच्चाई, भलाई के काम जो खुद कर रहा है, और वही बोलते पाया जा रहा है, वही करते पाया जा रहा है, और वही दूसरों को सिखा रहा है, वरन खुद भी उनको पालन कर रहा है, वो व्यक्ति धर्मी है। आज्ञा पालन, पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति, और जो यीशु पर विश्वास करता, जो यीशु के लहू से धुला हुआ है, वो धर्मी है। ध्यान रखना, अब इस बात को मेन वचन में लिखा है, यीशु का लहू में सब पापों से शुद्ध करता है और धर्मी बनाता है। अब बहुत से लोग इस चीज को लेकर सोचते हैं कि क्वेश्चन आते हैं उनके मन में कि भाई अब इसने तो अच्छे काम किए, इसने ऐसे काम किए, इसने वैसे काम किए। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम्हारे सारे अच्छे धार्मिक काम, धर्मी काम मेरे सामने मैले चिथड़ों के समान है, पोचे, गंदे पोचे के समान है। उदाहरण के तौर पर प्रभु ने कह दिया, यदि जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है, तो सोच कर देख लो, क्या इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी किसी के बारे में चुगली, निंदा, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, ईर्ष्या, व्यविचार की बातें, या किसी को नामाफी की बातें, कड़वाहट की बातें, जलन की बातें, डटाई की बातें, चुगली की बातें, बुराई की बातें, विरोध की बातें, लालच की बातें, या कभी भी किसी ने जिंदगी में ऐसी बातें नहीं सोची है? प्रभु के वचन में लिखा, यदि तू ऐसा सोच भी रहा है, करने की बात तो दूर है, अगर तूने मन में अगर तूने सोच लिया तो तूने पाप कर दिया। और एक और वचन प्रभु में बताता, लिखा, यदि तू अपने भाई से कहे अरे मूर्ख, तो यह भी पाप है, अरे मूर्ख, तो यह भी पाप है। और ऐसा पाप करने वाले के विषय में प्रभु का रूह क्या बताता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अगर हम देखें मत्ती की पुस्तक में, इसका 5 अध्याय, ये पवित्र शास्त्र है, और लिखा है इसकी 21 आयत में लिखा है, क्रोध और हत्या।
मैं इसको ध्यान से एक बार आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था पुराने समय में कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, मतलब प्रभु आपसे और मुझसे यह कह रहा है कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा। सिर्फ बोलने की बात हो रही है, एक तरफ क्रोध करने की बात है, दूसरी तरफ निकम्मा कहने की बात है। जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखो आप खुद पढ़ सकते हो, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो सोच कर देखो, हमने तो इससे कितने बड़े बड़े पाप कर दिए, तो हम किस बात पर कह सकते हैं कि अगला जन्म हमें मनुष्य का मिलेगा और अगला जन्म हमें अच्छा मिलेगा, किस यहां पर कह सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। अगर हम पवित्र शास्त्र के न्यू टेस्टमेंट में आगे अगर हम कहीं पढ़ते हैं तो परमेश्वर करूं हमें एक चीज और बतलाता है, ध्यान से सुनना, कि वचन में लिखा है यदि तू अपने भाई से क्या ना रखे, प्रेम ना रखे, अगर तू उस उसके प्रति विरोध रखता है, कड़वाहट रखता है, या बुराई रखता है, जलन रखता है, या माफ नहीं कर रहा, क्षमा नहीं कर रहा, दया नहीं कर रहा, प्रेम नहीं कर रहा, अनुग्रह नहीं कर रहा, चाहे भले तू कितने भी दिया धूपबत्ती अगरबत्ती पूजा पाठ कर रहा है, यदि तू प्रेम नहीं रख रहा है अपने लोगों से जिसको तू देखता है, तो जिस परमेश्वर को अभी तूने देखा ही नहीं है तो उससे कैसे प्रेम रख सकेगा। जिस मनुष्य से अगर तू अपने भाई से प्रेम नहीं कर रहा है तो तू हत्यारा है, और लिखा किसी हत्यारे में प्रभु नहीं है, अनंत जीवन नहीं है। तो हम किस बात पर कह सकते हैं कि हमें अगला जन्म मानव का मिल सकता है। सोचो किस हद तक हमने पाप कर बैठे हैं। अगर हम 10 लाख की चोरी करके 1 लाख का भंडारा करा दे तो मनुष्य की दृष्टि में भले बन सकते हैं, खुदा की दृष्टि में सबसे बड़े चोर और चोर और डाकू परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। परमेश्वर के राज्य में जाने का मतलब है वो अनंत काल का जीवन नहीं पा सकते, वो स्वर्ग नहीं जा सकते। प्रभु इस बात के विषय में ये समझाना चाहता है। देखो परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन प्रभु का ये वचन का सत्य आज हमारी आंखों को खोलना चाहता है, हमें बतलाना चाहता है, मेरे बच्चों इसके बाद कोई भी अगला वो ऐसा कोई मनुष्य का या पशु का, जीव जंतु का या किसी भी पक्षी का ऐसा कोई जन्म नहीं है। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने रूप और स्वरूप समानता में बनाया है। मनुष्य का एक बार जीना और एक बार मरना है। जब वो धरती पर अपना जीवन समाप्त करता है उसके बाद तुरंत उसका न्याय किया जाता है। कई प्रकार के न्याय होते हैं, ये ध्यान से समझना। ये खुदावंत का वचन आपको और मुझे बतलाता है, ये हकीकत है। अगर हम बोले किसी, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन हम सोच सकते हैं, अगर हम सोचे कि भाई पंडित है, पंडित तो बहुत पवित्र जीवन जीता है, या चर्च का पादरी है, या कोई भी व्यक्ति है बहुत पवित्र जीवन जीते हैं, भाई इनको तो अगला जन्म मनुष्य का तो जरूर मिलेगा। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु का वचन आपको और मुझे बतलाता है। देखो मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा, इस बात को समझना, हम धोखे में ना रहे, समझना इस बात को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वचन सबके लिए एक सहचा, कोई अन्य जाति है, विश्वासी है, पंडित है, पीर है, फकीर है, चर्च का पादरी है, कोई भी है, वचन परमेश्वर का सबके लिए एक सा है, ठीक है, सबके लिए एक सा परमेश्वर का वचन है। लिखा है, मैं आपके सामने वचन पढ़ता हूँ, लिखा है दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में इसका 5 अध्याय, इसमें हेडिंग दे रखी है हमारा स्वर्गीय घर, इसमें लिखा 5 अध्याय, और उसकी अगर हम पढ़ना चाहें तो लिखा है 10 आयत में, क्योंकि अवश्य है, मतलब है गारंटी है, क्योंकि कन्फर्म है, ये पक्का है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खोल दिया जाए। न्याय आसन का मतलब है, अगर हम कुरान में पढ़ते हैं तो कुरान शरीफ में खुदावंद का रूह इस बात को क्लियर करता है कि यीशु मसीह वो व्यक्ति है जो सारी जाति का न्याय करेगा। और अगर हम पुराने नए नियम में पढ़ते हैं तो खुदावंद का रूह हमें बताता है कि मेरे जीवन की सौगंध, मेरे हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। मतलब ये बातें हमें क्लियर होती हैं, मसीह का जो सिंहासन है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सिंहासन है, और मसीह का सिंहासन लगने का मतलब है वो न्याय करेगा उस न्याय सिंहासन के सामने। जैसे जज होता है ना, जज की कुर्सी होती है, तो मसीह की कुर्सी, वो जजिंग की कुर्सी है, उसके सामने लोग खड़े किए जाएंगे उनके कामों के अनुसार, उनको बदला देने के लिए परमेश्वर उनको बतलाएगा कि तूने क्या काम किया, उनके सारे वीडियो रील दिखा देगा। दुनियावी सीसीटीवी तो फेल हो सकता है, लेकिन खुदावंत की रूह का सीसीटीवी नेवर फेल्स, जीसस नेवर फेल्स, ध्यान रखना। दाऊद ने कहा है, प्रभु अगर मैं अधोलोक में चला जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं आकाश पे चढ़ जाऊं तो तू वहां है, तूने तो हर जगह मुझे घेर रखा है, मैं तुझसे नहीं छुप सकता, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य भारी रूप देखता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर तो मनों को जांच लेता है, मनों को दूर से ही परख लेता है, तेरे मन में आने वाले विचार है, तेरे मुंह के शब्द कौन से हैं होने वाले, क्योंकि वो हमारे अंत को आदि से जानता है, शुरुआत से ही हमारे अंत को जानता है।
प्रभु का वचन इसमें बता रहा है न्याय, मसीह के न्याय आसन के सामने, मतलब एक दिन न्याय होगा मनुष्य जाति का। देखो लिखा है इसमें, पढ़ के बताता हूँ आपको, मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए हम सबका हाल। मतलब मनुष्य आज जो कुछ भी करता है, हर एक मनुष्य के साथ, जैसे आपको पहले बताया गया था, अगर एक व्यक्ति है, जैसे वो पैदा होता है, धरती पर आता है, उसके साथ एक स्वर्गदूत रहता है, स्वर्गदूत रहता है, और वो स्वर्गदूत किसी को दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि उस मनुष्य को खुद को नहीं पता है। यहाँ तक कि अभी आप इस वचन को सुन रहे हो, वो ये बात भी लिख रहा है कि आप इस समय को कैसे यूज़ कर रहे हो, और आप स्वर्गदूत आपके बारे में सब कुछ लिख रहा है, आपको कितने ने दिल दुखाया है, आपने किसका दिल दुखाया, आपने कितनों से नुकसान उठाया, आपने किसका नुकसान किया, आपने कितनों के साथ गलत व्यवहार किया, या आप किसी ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, स्वर्गदूत सब कुछ लिख रहा है, वो आपके और मेरे साथ में है। तो उन पुस्तकों के अंदर वो सब बातें लिखी जा रही हैं ताकि हमारा न्याय परमेश्वर के सामने खोल दिया जाए, क्योंकि ये वचन हमें बतलाता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति, इसमें ये नहीं लिखा कि पास्टर या चर्च के लोग या विश्वासी लोग या मसीह लोग, इसमें लिखा है हर एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर जीवित थे, जो जीवित हैं या जो आगे पैदा होंगे, हर एक व्यक्ति जब वो अपने जीवन धरती पर जीवन समाप्त करते हैं, उसके बाद उनके कुछ न्याय होते हैं। ध्यान रखना, कई प्रकार के न्याय हैं, एक सबसे बड़ा अंतिम न्याय है, और कुछ न्याय डिफरेंट टाइप के न्याय हैं, वो आपको कभी मौका मिले तो उसमें बताया जाए, प्रभु की ऐसी मर्जी पूरी हो, लिखा है। क्योंकि देखो उदाहरण के तौर पर, अगर एक विश्वासी मसीह में प्रभु को जानने के बाद, प्रभु में विश्वास करने के बाद अगर वो अपना पृथ्वी का जीवन समाप्त करता है, तो वो जाता है सीधा स्वर्गलोक में, ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई अन्य जाति जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, अगर वो अपने जीवन को समाप्त करता है, तो वो जाता है अधलोक में। कहने का मतलब, अगर हम लूका की पुस्तक 16वां अध्याय पढ़ते हैं, तो उसमें विषय में परमेश्वर का आत्मा हमें बतलाता है, और अगर जो लोग मसीह में मरे हैं तो उनको अनंत जीवन की आस रहती है, आशा रहती है, और वो आशा को परमेश्वर पूरा करता है, क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता, मतलब स्वर्ग नहीं जा सकता। तो इसलिए जिस किसी ने यीशु को पकड़ लिया है उस और यीशु को आखिरी सांस तक यीशु पर भरोसा रखा है, तो उसकी धरती की टिकट कटने के बाद सीधा स्वर्ग में जाएगा, परमेश्वर के पास जाएगा, स्वर्गलोक में जाएगा, वो अधोलोक में इसका कोई भाग नहीं, जहाँ पर लाजर गया था, ध्यान रखना, ये स्वर्गलोक वो जगह जहाँ पर लाजर गया था अब्राहम पिता की गोद में, और अधलोक में कौन, जो जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, जिन लोगों ने यीशु को धिक्कार दिया था, जब उन लोगों ने अपना जीवन समाप्त किया, तो उन लोगों के पास कोई आशा नहीं थी अनंत जीवन की, क्योंकि उन्होंने जीते जी ही, इसलिए लिखा है बाइबल BIBLE बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ, इस धरती को छोड़कर जाने से पहले एक अनंत काल के जीवन को पाने के लिए, मतलब एक बहुत ब्लेस्ड लाइफ को पाने के लिए, इस धरती को छोड़कर जाने से पहले वो सारी बातें जिसको हमें जानना जरूरी है, जिसके अनुसार हमें चलना जरूरी है, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम नरक से बच सकते हैं, वो सारी बातें इस धरती पर जीते जी हमें पता चलती है, जो हमें पवित्र शास्त्र पवित्र बाइबल के द्वारा पता चलती है। और जिसने बाइबल का ज्ञान ले लिया, ज्ञान लेना ही नहीं, वचन को जानना, उसके अनुसार चलना जरूरी है, ये नहीं कि हमने पढ़ लिया झूठ मत बोलो, लेकिन हम झूठ बोल रहे हैं, पढ़ना ही काफी नहीं है, उसके अनुसार चलना जरूरी है। तो अब हमें पता चल गया, एक ये वाला न्याय था, एक ये मरने के साथ ही एक ये न्याय है, लेकिन इन लोगों दोनों का न्याय एक आखिरी में सबसे बड़ा अंतिम न्याय है, वो न्याय होगा जब यीशु मसीह का सिंहासन लगेगा, उस समय अरबों खरबों जो लोग पृथ्वी पर जीवित थे, जिन लोगों ने जब पृथ्वी पर जिन लोगों ने जीवन समाप्त किया, जब एक आखिरी टाइम आया, जब सब कुछ खत्म करने का समय आया, तो सभी लोगों को एक बार में इकट्ठा किया जाने वाली बात है। ये प्रकाशित वाक्य हमें समझाता है इस विषय में कि सबको परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। लिखा है क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देह के द्वारा, समझना, देह के द्वारा। तो यहां पर बता रहा है परमेश्वर, इसके बाद में कोई अलग जीवन नहीं है, इसके बाद, कहने का मतलब, इसके बाद में कोई दूसरा जन्म नहीं है, कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी का, या दोबारा से मनुष्य का जन्म मिल जाए धरती पर, नहीं। एक बार जीवन, जब हम इस धरती पर जीवित हैं, जैसे हम पृथ्वी पर अपना जीवन समाप्त करते हैं, उसके बाद तुरंत हमारा एक छोटा सा न्याय होता है। पहले वो न्याय होता है स्वर्गलोक जाने का या फिर अधलोक जाने का, न्याय परमेश्वर उसमें चेक करता है, अगर ये मसीह में इसने अपनी आखिरी सांस दी है तो इसको स्वर्गलोक भेजना है, और ये मसीह में नहीं था तो इसको अधलोक भेजना है। और इसके बाद कुछ टाइम बाद इनका एक बड़ा न्याय, जो इम्पोर्टेंट न्याय, जिसमें क्लियर होगा स्वर्ग या नरक, वो अंतिम न्याय है, ध्यान रखना। तो जैसे ही व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह में किया हो उसके अनुसार जब पाता है, तो वो अंतिम न्याय के विषय में हम पढ़ते हैं, समझ सकते हैं इस बात को। देखो मैं आपके सामने एक वचन पढ़ता हूँ,
लिखा है इब्रानियों की पुस्तक इसका 9 अध्याय और इसकी 27 आयत में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, कंफर्म गारंटेड है, सील लग चुकी है, एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, उसके बाद कोई भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली चूहे बंदर बगीचे का कोई ऐसा वो जन्म नहीं है, ध्यान रखना एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर इस बात के विषय में मैं क्लियर करता है, मैं आपके सामने एक वचन और पढ़ के बताना चाहता हूं ताकि आप लोग समझो पवित्र शास्त्र अंतिम न्याय के बारे में क्या कहता है। देखो ध्यान से समझना, प्रकाशित वाक्य पवित्र शास्त्र की आखिरी पुस्तक है, ये भविष्य में होने वाली बातें थी, लिखा है 1000 वर्ष का राज्य 20 अध्याय और इसकी अगर हम पढ़े 11वीं आयत से, बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय, बड़ा श्वेत सिंहासन अंतिम न्याय लिखा है, फिर मैंने एक बड़े श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उन्हें कहीं जगह ही ना मिली, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को पर सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, इस सिंहासन पर यीशु मसीह बैठा, जैसे कि अभी आपके सामने वचन पढ़ा था, मसीह का सिंहासन उसके सामने सब लोगों को खड़ा कर दिया गया, सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा बहुत सारे लोगों को, सब जो मर चुके थे, और पुस्तकें खोली गई, ये वही पुस्तक है जो एक एक स्वर्गदूत एक एक मनुष्य के साथ था, उस पुस्तकों में जो सब बातों को नोट डाउन कर रहा था, अब यही पुस्तक है जो खोली जा रही थी, पुस्तकें खोली गई सभी मनुष्य के विषय में जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जो उन्होंने कैसे कैसे काम किए अच्छे और बुरे काम, पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, ये एक और पुस्तक कौन सी है, ये वो पुस्तक है, एक तो बहुत सारी पुस्तक वो है जो मनुष्य के नाम की विषय में लिखी गई है कि इसने कैसे कर्म कांड किए हैं या इसके साथ क्या हुआ है, इसके भले और बुरे काम, और एक पुस्तक वो है जिसमें उन लोगों के नाम है जिन लोगों ने प्रभु में अपना जीवन बिताया, जो प्रभु में आखिरी सांस तक विश्वास योग्य पाए गए हैं, जिन ये जीवन की पुस्तक है, ये न्याय की, ये इनके काम कर्म कांड की पुस्तक है, जीवन की पुस्तक में जिन लोगों का नाम लिखा रहेगा उनको अनंत काल का जीवन मिलेगा। तो लिखा है फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में, जैसा उन न्याय इन पुस्तकों में लिखा हुआ था मनुष्य की, उन पुस्तकों में जो मनुष्य ने कर्म कांड किए उन कामों के अनुसार, भले और बुरे कामों के अनुसार लोगों का न्याय, मरे हुए लोगों का न्याय किया गया, समुद्र ने उन मरे, जो लोग समुद्र में मरे थे उन समुद्र से उन लोगों की आत्माएं वहां पहुंचाई गई और स्वर्ग में न्याय आसन के सामने पहुंचाई गई, और लिखा है और जो मृत्यु और अधोलोक के अधोलोक ने उन मरे हुओं को दे दी, जो मृत्यु जो अधोलोक में थे फिर उन लोगों की आत्माओं को फिर परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचाया जाएगा, समुद्र से पृथ्वी से जगह जगह से वो आत्माएं इकट्ठी की जाएंगी और वो आत्माएं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी हो जाएंगी, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिला वह आग और गंधक की झील में डाला गया, समझ रहे हो आपको, जीवन की पुस्तक आग और गंधक की झील, आग की झील दूसरी मृत्यु है, ध्यान से समझना, दूसरा कोई भी ग्रंथ, दूसरा कोई भी शास्त्र हमें दूसरी मृत्यु के बारे में नहीं बताता है, ये दूसरी मृत्यु ये खतरनाक मृत्यु है, अनंत काल की आग जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता, जिसकी आग कभी नहीं बुझती, हम कभी ये ना सोचे कि दूसरा जन्म कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी का या मनुष्य का द्वारा मिल जाएगा, क्यों ऐसा नहीं है, ये पवित्र शास्त्र की ओर से परमेश्वर की रूह की तरफ से इन चीजों के विषय में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ना ही ऐसा कभी हो सकता है, क्यों, क्योंकि मनुष्य के पाप है ना, जो मनुष्य के पाप है उसके कर्म कांड है जो उसके कारण भी, और दूसरा मनुष्य जब परमेश्वर ने एक बार निर्धारित कर दिया है कि दूसरा अगला जन्म ऐसा कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी का है ही नहीं, तो नहीं है, पशु पक्षी जीव जंतुओं में आत्मा नहीं होती, ध्यान रखना आत्मा सिर्फ मनुष्य में होती है, और मनुष्य की आत्मा क्या कुत्ते के अंदर जाकर जीवन पाएगी, नहीं, उसका सीधा न्याय किया जाएगा, इस बात को हमेशा याद रखना, हालेलुया, प्रभु आशीष जी आप सभी को, जय मसीह की, झट से किसी की बात पर भरोसा ना रखे, नॉलेज लें, अंडरस्टैंडिंग रखें, और बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों ने जब वो पवित्र शास्त्र के अनुसार जब प्रार्थना में बैठे तो प्रार्थना करते करते उनकी आत्मा को परमेश्वर ने स्वर्ग में उठाया और उनको किसी को अधोलोक दिखाया, किसी को मतलब
लोगों को तड़पता हुआ दिखाया और किसी को स्वर्ग में आनंद मनाते हुए दिखाया, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए गीत गाते हुए दिखाया। ये हकीकत बात है, उनकी आत्मा कुछ घंटे के लिए उठाई गई ताकि वो लोग जान सके, ताकि वो लोग समझ सके कि हकीकत क्या है, संसार का सत्य क्या है। इस धरती पर तो समझ लो हमारा टेस्ट चल रहा है, जो इस टेस्ट में मतलब उस बाइबल की शिक्षा में उस बाइबल के अनुसार जो पास हो गया तो उनको स्वर्ग अनंत काल का जीवन, हालेलुया। लेकिन जो इस पर विश्वास करता ही नहीं है, लिखा है वो तो पहले से ही दोषी ठहर चुका है। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की। इसलिए हमें प्रभु पर विश्वास करना है, अंत तक उसमें बने रहना है, चाहे गिरते पड़ते कैसी भी परिस्थिति थी, प्रभु को कभी नहीं छोड़ना है। प्रभु उठाने वाला है, गिरते पड़ते ही नहीं वरन परमेश्वर हमें अच्छा जीवन देने वाला परमेश्वर है। हमें अपने हिसाब अपने तरीके से नहीं वरन प्रभु के अनुसार चलेंगे तो हम जीवन जियेंगे, विक्टोरियस लाइफ जियेंगे, इसमें कोई भी दुख, कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई परेशानी हमारा हिस्सा नहीं होगी और हम ब्लेस्ड लाइफ जिएंगे। लोग हमें देखेंगे तो पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह। इसलिए एक दूसरे से प्रेम करें, माफ करें। नहीं पता कि कब किसका आखिरी पल था। प्रभु सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।